हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आप लोग का अर्पण रेलवे टेक चैनल में। सो दोस्तों, हम आप इसमें पूरा एक अच्छा वैकेंसी के बारे में इस डिटेल में बात करेगा, जो कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से दोस्तों हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर के लिए एक अच्छा वैकेंसी निकल के आया था दोस्तों। सो दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी है। जो लोग इंटरेस्टेड है दोस्तों इस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, सो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा वीडियो को वॉच करिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, खाकी कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से दोस्तों इनवाइट जो एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट जारी किया सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, बहुत एक अच्छा वैकेंसी निकल गया था दोस्तों। सो उसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देगा। सो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का जॉब लोकेशन होगा दोस्तों क्या आदि पुणे महाराष्ट्र का तरफ से दोस्तों। ये जॉब लोकेशन होगा आपका, इसमें लास्ट डेट दोस्तों 16 अगस्त 2022 में लास्ट होगा दोस्तों। एम्प्लॉय टाइप होगा फुल टाइम। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 3 वैकेंसी पोस्ट रहेगा उसमें। सो खाकी कंटेनमेंट बोर्ड का तरफ से दोस्तों ये डिटेल्स आपको मिलेगा दोस्तों। कंपनी रहेगा दोस्तों खाकी कंटेनमेंट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है दोस्तों, जो सेम कंटेंट पोस्ट है दोस्तों सैनिटरी इंस्पेक्टर। और टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 3 पोस्ट है दोस्तों इसके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। सैलरी रहेगा दोस्तों 25,500 से लेकर 81,100 के पर मंथ मिलेगा दोस्तों, जो कि बहुत एक मकान मिलेगा आपको इसका पोस्ट के लिए। सो जॉब लोकेशन रहेगा दोस्तों पुणे, उसमें लास्ट डेट दोस्तों रहेगा 16 अगस्त में लास्ट डेट रहेगा। वेबसाइट में आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, इसी वेबसाइट में जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम आपको उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार दिखा देते हैं। HSC डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर रहना ज़रूरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एक्सपीरियंस रहना अभी प्लीज रेफर्स टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। सो आप लोग का हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक बार देखा दूंगा। सो स्किल एबिलिटी, आप लोग को जो स्किल एबिलिटी कैसे रिकमेंड किया जाएगा उसका पूरा दिया है। डिप्लोमा 12 एलिजिबल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए 10 जो पे स्लिप है दोस्तों आप लोगों को तो बता दिया दोस्तों, पर मंथ 81,000 के पर मंथ मिलेगा। एज लिमिटेड लेगा दोस्तों 21 से लेकर 33 ईयर्स तक आप लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों राइटिंग टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, वॉकिंग इंटरव्यू, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों आप लोग को? सो आप लोग कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, आप लोग का जो अप्लाई बोर्ड है दोस्तों, देखिए रिकमेंड बोर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस बिफोर 16/8/2022 का जो रिक्रूटमेंट जारी किया जाए उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप उस पोस्ट में आवेदन कर सकता है। सो इसमें दोस्तों फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप पूरा डिटेल्स में देख रहेगा, आप लोग मिनिमाइज करके थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। सो इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, देखिए ऑफिशियल एक बार जो नोटिफिकेशन है हम आपको पूरा डाउनलोड करके दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, सो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे जो खाकी कंटेनमेंट बोर्ड का तरफ से दोस्तों जो ऑफिशियल PDF है इसमें हम आ गया। इसमें दोस्तों देखिए जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म आ गया दोस्तों, इसमें देखिए आप लोग को जो पे स्किल मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100 के आसपास मिलेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए। टोटल पोस्ट रहेगा 3, यूवर्क में 2, OBC 1। सो आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए HSC डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन रहना ज़रूरी है। आप लोग को जो एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना ज़रूरी है, देखिए ग्रेजुएट और पोस्ट BSc रहना, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए जो एज रेगुलेशन में दोस्तों देखिए 16/8/2022 तक होना ज़रूरी है। OBC में दोस्तों 20 ईयर्स 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, और जनरल UR के लिए 21 ईयर्स 30 ईयर्स रहना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के तरफ से दोस्तों एक्स सर्विसमैन और एक्स OBC UR के तरफ से दोस्तों अलग से दिमंग दिया जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए एप्लीकेशन फी में आप लोग को 300 दिया, जो एक्स सर्विसमैन और सबके लिए 300 लेकर जाएगा। उसमें आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो टोटल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें पूरा जारी किया दिया, मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टू कॉपी पासपोर्ट फोटो, 3 लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो और सेल्फ अटेस्टेड जो भी स्टाम्प पोस्टल स्टैम्प है उसमें रहना ज़रूरी है।
उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और क्या आप लोग को कास्ट है उसका कास्ट सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड आप लोग को दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर में आप लोग को एड्रेस में सेंड किया जाएगा। डेट एंड वेन्यू आप लोग को जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बताया जाएगा। सो इसमें देखिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन किया जाएगा देखिए इसमें डिटेल्स में देखा रखा है। फाइनल सिलेक्शन मेरिट टेस्ट विल बी रिटन टेस्ट ओनली 120 मार्क्स में आप लोग को ऑब्जेक्टिव मार्क्स लिया जाएगा 120 मिनट में उसमें आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा। सो ठीक है कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं हम ज़रूर आप लोग को सहायता करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन इंडिया रहना जरूरी है और भी पूरा डिटेल्स में देख रहे हैं आप लोग ठीक से देख लेना। सो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो एक राइटिंग एग्जाम होगा उसमें दोस्तों देखिए सब्जेक्ट क्या रहेगा देखिए जनरल इंटेलिजेंस रहेगा जनरल अलाउंसेंस रहेगा नॉर्मिकल एटोटिट रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रेशन रहेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और नंबर रहेगा दोस्तों 120 का आप लोग का क्वेश्चन होगा उसमें टोटल मार्क्स रहेगा 120। ठीक है उसमें दोस्तों देखिए सिलेबस एग्जामिनेशन पूरा डिटेल्स यहां पे देख के रहेगा उसमें आप लोग फॉलो करना है। सो कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं हम ज़रूर आप लोग को सहायता यहाँ पे पूरा आप लोग डिटेल्स पूरा पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों सो अच्छा समझ में आ गया दोस्तों कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक अच्छा मौका है दोस्तों ये जो पोस्ट है दोस्तों परमानेंट पोस्ट है जो लोग अप्लाई करना चाहते हो जल्दी जल्दी अप्लाई करिए दोस्तों बहुत बड़ा वैकेंसी है परमानेंट स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों सैनिटरी इंस्पेक्टर का। सो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।